आध्यात्म गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मैनपुरी के करहल में पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव संत विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती के मौके पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी प्रस्तुति पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत आवश्यक है। विद्यालय की प्रधानाचार्य सरिता यादव ने पूर्व सांसद को स्मृति चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। क्या कुछ बोले पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, सुनिए उन्हीं की जुबानी। बच्चों ने इतने शानदार कार्यक्रम किए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे क्षेत्र का बहुत ही अच्छा शिक्षा संस्थान है संत विवेकानंद स्कूल। विवेकानंद जी की जयंती वर्षाले कार्यक्रम में आयोजित होता है, उसमें आज शामिल होने का मौका मिला। विवेकानंद जी को पैदा हुए आज 160 साल हो गए हैं, तो ये विद्यालय विवेकानंद जी के नाम से है। मैं प्रतिवर्ष विवेकानंद जयंती को धूमधाम से मनाता हूँ। ये विद्यालय का मेरा कार्यक्रम है, मैं समाज को तमाम संदेश देने के लिए कार्यक्रम चलाता हूँ और उनके आदर्श पर चलने का संकल्प भी लेता हूँ और बच्चों को भी चलाता हूँ। जिस तरह बच्चों ने जो है प्रतिभा किया और अपनी बेहतर प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, उस पर बच्चों को किस तरह आप आशीर्वाद देंगे? बच्चों में देखिए सब कुछ छिपा होता है, ये कहना कि बच्चे पूरे कागज़ होते हैं ऐसा नहीं है। बच्चों के अंदर सारी प्रतिभा छिपी होती है, बस उन्हें निखारने का काम होता है। और जो विद्यालय जो अध्यापक बच्चों को ठीक से समझाते सिखाते हैं, तो उनकी प्रतिभा निखर के आती है और सामने आता है, वही आज आपने देखा है। हर बच्चा तैयार है और बहुत अच्छे से कर